हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रमिला, प्रमिला की रेसिपी में फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आए, तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम बरसात का मौसम जब होता है तो कौन खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों की जो सबसे ज्यादा फेवरेट होती है फ्रेंड्स, वो होती है मेयोनीज। तो आज हमने बच्चों की ही पसंद का ख्याल रखा है, तो हम लेके आए हैं गार्लिक कॉर्न मेयोनीज। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जब पानी बॉयल होने लगे तो इसमें हम डाल देंगे 2 लौंग, 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी का टुकड़ा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही लाजवाब आता है। अब इसमें डाल देंगे 1 कप कॉर्न और इसको हम 5 मिनट के लिए बॉयल करेंगे। साथ में थोड़ा सा 1/4 टीस्पून डाल देंगे हम सॉल्ट। एक बार इसको मिक्स कर दें और हाई फ्लेम पर ही इसको हमें बॉयल करना है। अब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हो गई है कि नहीं। वैसे हो गई है, अगर आप चाहते हैं 2 मिनट तो इसको और भी बॉयल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको और सॉफ्ट करेंगे, यानी कि टोटल 5 मिनट। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारे कॉर्न भी बॉयल हो गए। अब इनको हम निकाल देंगे और जो हमारी इसमें तेज पत्ता है, लौंग है, दालचीनी है, उसका टुकड़ा हम अलग से निकाल देंगे। हम इसको एक छन्नी में निकाल लेते हैं जिससे इसका पानी सारा निकल जाए, पानी कम्प्लीटली निकल जाना चाहिए। हम यहाँ पर ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, आप चाहे तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 स्पून लिया है यहाँ पर हमने ऑलिव ऑयल। हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें हम फाइन चॉप किया हुआ 1 प्याज डाल देते हैं। एकदम फाइन चॉप डालना है, रफली चॉप बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें जो हमारा ये रह गया इसको हम निकाल देते हैं। बहुत ही फाइन चॉप है ये, बस हल्का सा इसको हमें पिंक कलर का करना है, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी गार्लिक नॉलेज है कौन, तो इसीलिए हम यहाँ पर 1 स्पून डाल देंगे गार्लिक। एकदम ये पेस्ट है, आप चाहें तो यहाँ पर इसको फाइन चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी प्याज इस कलर में हो जाए तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 स्पून, 1/4 कप हमने डाली है यहाँ पर शिमला मिर्च। फाइन चॉप कर लिया है तो 1 मिनट के लिए भी हमने इसको कुक कर लिया है अपने शिमला मिर्च को। साथ में ऐड कर देंगे कॉर्न। गैस की फ्लेम को लो फ्लेम पे कर दें और थोड़ा सा इसमें हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमारी मेयोनीज में भी सॉल्ट होता है। गार्लिक मेयोनीज में थोड़ा सा गार्लिक हरा डाल दिया जाए तो क्या बात है। ये हमारे गमले में इसको हमने डाला था और ये हमारा हरा हरा गार्लिक हो गया है। तो यहाँ पर हमने 1 स्पून डाल दिया है ताजा हरा लहसुन। इसका फ्लेवर ना बहुत ही बढ़िया आता है। अब थोड़ी सी इसको हमें स्पाइसी बनाना, तो थोड़ी सी इसमें काली मिर्च डाल देते हैं कुटी हुई। बच्चों को या बड़ों को जितना तीखा पसंद है उतना ही डाले काली मिर्च। तो यहाँ पर हमने 1/4 टीस्पून काली मिर्च डाल दी है, क्योंकि जो घर की कुटी हुई काली मिर्च होती है वो काफी तीखी होती है, मार्केट की थोड़ी सी कम होती है। तो अब इसको हम 2 मिनट के लिए फिर से कुक कर लेते हैं। के बाद हम इसको निकाल लेते हैं बाउल में। तो ये लीजिए हमारी वेज मेयोनीज, इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं इसमें। तो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और बच्चों को जरूर बनाइएगा, मजे आ जाएंगे बच्चों के। फ्रेंड्स, थोड़ा सा डालेंगे हम 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। ये लीजिए, मजा आ गया ना फ्रेंड्स। बच्चों को पसंद हो तभी डालिएगा चिली फ्लेक्स, अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमारी हो गई है रेडी फ्रेंड्स गार्लिक मेयोनीज कॉर्न